Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मित्रों स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 पे एक बार फिर आपका स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर परीक्षित सिरोही मैं दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी विधि संकाय में सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और आज मैं आपके समक्ष इलेक्ट्रॉनिक मनी और राष्ट्रीय मौद्रिक संप्रभुता यानी कि हमारी जो करेंसी सॉवरेनिटी है उसके बारे में चर्चा करेंगे साइबर अपराध कोर्स में व्याख्यान क्रमांक आठ में मित्रों ये आपके समक्ष जो विषय हैं वो हम आ, आपके समक्ष लेके आएंगे सर्वप्रथम टोकन मनी और नोटेशनल मनी ये क्या होते हैं उनकी चर्चा करेंगे भुगतान uh, प्रणाली जो हैं विभिन्न तरह की भुगतान प्रणाली उनके बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मनी से क्या फ़ायदे होते हैं क्या लाभ होते हैं उनकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मनी से ख़रीदे जाने वाली जो सबसे उपयुक्त वस्तुएं हैं वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मनी से आप जो चाहें खरीद सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक uh, धन से आप जो चाहें ख़रीद सकते हैं बट सब से ज़्यादा उपयुक्त वस्तुएँ सेवाएँ क्या हैं वो बात करेंगे ऑथेंटिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण ता जो है जो जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है जो इंटरनेट है वो किसी हम पहले भी देख चुके हैं कि वो किसी देश की बाउंड्री से जुड़ा नहीं है वो इंटरनेशनल है स्कोप में जो ट्रांसनेशनैलिटी है इलेक्ट्रॉनिक मनी की उसके बाद करेंगे जो आर्थिक प्रभाव है मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसकी चर्चा करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है मनी सप्लाई को लेके इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है आ, वास्तविक दुनिया में सरकारों का क्या रोल होना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए उसकी बात करेंगे आ, ये जो अकाउंटेड और अनअकाउंटेड दोनों ही तरह के इलेक्ट्रॉनिक मनी होते हैं आ, उनकी थोड़ी सी बात करेंगे नोटेशनल और सांकेतिक मनी की बात करेंगे नोटेशनल मनी का सबसे अच्छा उदाहरण एक चेक है उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है पर उसके फेस पे एक अमाउंट लिखा हुआ है एक लाख रुपए या दस हज़ार रुपए या पांच हज़ार रुपए वो उसकी वैल्यू है आ, कुछ नीतिगत मुद्दे जो है उनकी चर्चा करेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ये जो टोकन मनी नोटेशनल मनी के इशू के लिए कौन उसको जो है इशू करना चाहिए अगर वो गुम गया तो किसकी लाइबिलिटी होनी चाहिए आ, ट्रेसबिलिटी ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दों में से एक है ट्रेसेबिलिटी पता लगाने की क्षमता और जो क्या इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए बिकॉज़ आने वाले समय में ये समस्याएं और बढ़ेंगी और जटिल होंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मनी का नोटेशनल मनी का प्रयोग बढ़ता ही जाएगा आरबीआई की करेंसी मनापली है आरबीआई एक्ट के अनुसार तो आरबीआई की करेंसी मनापली पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये कुछ हम चर्चाएं करेंगे मित्रों सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा आ, और आ, मेरे जैसे लोग कई हो गए हैं अब जो अब वॉलेट या पर्स रखते ही नहीं है मुझे पाँच छ वर्ष का समय हो चुका है और मैं कई लोगों से बातों बातों में चर्चा हो जाती हूँ कहते हैं सर मैं भी नहीं रखता पर्स आ, तो सिक्कों और नोटों के रूप में जो नगद है जो कैश है जो रोकड़ है उसके दिन ऐसा लगता है कि गिने चुने हो बहुत ज्यादा इनका प्रयोग अब होता नहीं है भारत की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है बट डिजिटल लेन देन का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे हैं नकदी से होने वाले ट्रांजैक्शन घटते जा रहे हैं यही स्थिति आज से 10-20 वर्ष पहले यूरोपीय देश और अमेरिका जैसे देशों में आ, पाई गई थी और यदि भारत जैसे देश में ये होने लगे तो और अन्य जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें होने लगे तो मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में क्या होगा मित्रों इसके कारण है नकदी को संभालना बहुत मुश्किल है नकदी को संभालना एक महंगा सौदा है आपके पास अगर कुछ कैश है मान लीजिए पांच हजार रुपए हैं दस हजार रुपए है एक लाख रुपए है आप हमेशा उसको लॉक करते रहेंगे ड्रॉवर में कोई आया तो नहीं किसी ने चोरी तो नहीं किया बार बार उसकी गिनती करेंगे आपको मन में रहेगा आपके समय खराब होगा बार बार गिनती करने का अगर आपके पास वॉलेट है ही नहीं तो आप किसी होटल में ठहरे हैं बेहिजक कमरे की चाबी किसी को भी दे दीजिए कि भाई आके सफाई कर लेना मेरे पीछे अगर आपके पास कैश है तो आप सूट केस को बंद करेंगे सेफ को बंद करेंगे फिर उसके बाद जो है आप सोचते रहेंगे सफाई वाले ने कुछ कर तो नहीं दिया रास्ते में सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में बस में अपनी निजी गाड़ी से आपको हमेशा ये शंका रहेगी कि कोई आके पैसे तो नहीं ले जाता मित्रों अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा चार्ज लेना शुरू कर दिया वो क्यों क्योंकि डिलीवरी बॉय को कैश हैंडलिंग का एक चार्ज होता है बैंकों ने अब कैश को हैंडल करने का चार्ज लेना शुरू कर दिया क्योंकि खर्चे होते हैं जोखिम होती है बड़ी मात्रा में तो कैश के साथ ये प्रॉब्लम है आ, कम लागत पे नकदी को आसानी से जो है काउंटर करना आसान है गल जो है जो उसकी नकली बनाना बहुत आसान है क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति ये कर सकता है करेंसी का बस पेपर अलग होता है बट करेंसी की एक से एक अच्छे फोटो आ गए हैं और वो आपको कलर फोटो कॉपी दे देंगे 500 के नोट की चाहें ज्यादा से ज्यादा रुपए का नोट की काउंटर फिटिंग करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा है इसके की आप रुपए के नोट की करें मित्रों भारतवर्ष में जितने भी नोट हैं दो का पांच रुपए का दस का दो पांच दस के आप भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वो नोट नहीं बनाएंगे वो केवल सिक्के बनाएंगे दो पांच दस एक तो पहले ही हो गया था तो एक के तो नोट अब आपको मिलते भी नहीं है आ, आ, एक द, ये दो पांच दस पचास बीस सौ दो सौ पाँच ये सभी नोट अगर आप देखेंगे तो इस पर गारंटी आर लेता है आर गवर्नर के अंग्रेजी और हिंदी में हस्ताक्षर होते हैं और वो गारंटी लेते हैं कि वो धारक को दो uh, सौ या दो हज़ार जो भी उस नोट का पे अंकित मूल्य है उस पर लौटाने का वादा करते हैं एक रुपए का जो नोट होता था उस पे जो है भारत सरकार के वित्त विभाग के सचिव जो है वो गारंटी लेते थे तो इसका मतलब डायरेक्टली भारत सरकार गारंटी लेता था आर नहीं लेता था आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आ, सो ये जो जो सरकार जो करेंसी की गारंटी लेती थी उसका आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो हम चर्चा करेंगे आ, अगर पार्टियां भौगोलिक निकटता में हैं जैसे कि मैं और मेरे कैमरामैन एक ही कक्ष में बैठे हैं तो तो हम कैश में लेन देन कर सकते हैं आ, लेकिन अगर पार्टी अलग अलग जगह पे हैं जैसे कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं कानपुर से और आप लखनऊ में बैठे हैं या आप अमेरिका में बैठे हैं या आप दिल्ली में बैठे हैं या आप राजस्थान या मध्य प्रदेश में बैठे हैं तो एक विकल्प जिससे ट्रांजेक्शन हो सकता है नकदी तो नहीं हो सकता मित्रों वो जो है विकल्प जो हो सकता है वो केवल अः टोकन मनी या नोटेशनल मनी हो सकता है पहले ये काम लोग मनी ऑर्डर के द्वारा करते थे अः टोकन आधारित मुद्रा का एवोल्यूशन हुआ कैसे हुआ वो थोड़ा सा देखते हैं पहले टोकन आ, ऐसी वस्तुएं हुआ करती थी जिनका स्वयं का कुछ इसके बाद एक अगला चरण आया ऐसे टोकन आए जिनका खुद का कोई मूल्य नहीं था ये उपयोग में लाए जाने लगे आपने कानपुर मेट्रो लखनऊ मेट्रो या दिल्ली मेट्रो के टोकन देखे होंगे सिंपल सा एक प्लास्टिक का आ, सिक्का जैसा होता है उस टोकन की खुद की कोई वैल्यू नहीं है हाँ अगर आप उसको ले जाके बाहर आ, एक सुवीनियर के रूप में रखना चाहें वो बात अलग है आ, ऐसा कुछ लोग करते हैं बट इन टोकन्स का खुद का कोई वैल्यू नहीं है इसकी ये प्लास्टिक का सिक्का है पाँच पैसे का इसकी वैल्यू है आ, और इसमें जो जो तो, जो जो इसमें पैसा है वो शायद सौ रुपये हो सकता है Uh, फिर इसके बाद जो टोकन का वास्तविक मूल्य से अलग कर दिया इसके बाद अगला जो आया वो सांकेतिक यानी कि नोटेशनल मनी आया सांकेतिक। सांकेतिक मुद्रा का सर्व सर्वोत्तम सबसे अच्छा उदाहरण मित्रों चेक है चेक एक मूल्य का प्रतीक है इसका स्वयं का कोई मूल्य नहीं है कागज का टुकड़ा है पर इसपे आप एक लाख रुपए भी लिख सकते हैं इस पे आप दस हजार भी लिख सकते हैं इस इस पे पे आप आप भी भी लिख लिख सकते सकते हैं हैं तो और इस पे आप भी लिख सकते हैं। हाँ आजकल कोई सौ रुपए का चेक नहीं देगा आ, क्योंकि बैंक चेक लीफ के लिए ही जो चेक जिस पे आप लिखते हैं उसी के लिए दो रुपए ले, ले लेते हैं तो आप सौ रुपए का चेक क्यों इश्यू करेंगे मित्रों आ, इसका उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो उसपे ऊपर जो दर्ज ये राशि है एक लाख रुपए या दस हजार रुपए उसके लिए आप उत्तरदायी होने का वादा करते हैं जिस व्यक्ति को आपने दिया और यदि आप ये राशि नहीं चुकाते हैं तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के उत्तरदायी हो जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में धारा 138 और 142 है इसके अंतर्गत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है मित्रों ये जो आ, अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है वो क्रेडिट सिस्टम है वो आज की डेट में नोटेशनल सिस्टम पे चल रहे हैं जो वही प्रणाली जिस पे चेक चलते थे आजकल चेक का तो प्रयोग जो है वो लगभग लुप्त प्राय सा हो गया है चेक्स की जगह लोग ई चेक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चेक्स का प्रयोग कर रहे हैं ये जो आपकी एन है ये जो आपकी आर है ये जो आपका आई है ये सब वही काम करते हैं जो एक चेक करता था इनका भी सिस्टम वही है नोटेशनल ये आपको एक रसीद दे देते हैं और बदले में पैसा यहां से वहां पहुंच जाता है मित्रों मित्रों भुगतान प्रणालियों का विकास किस तरह से हुआ बाजार में लेन देन होता है मैं आपसे पूछता हूं कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई भी वस्तु जैसे ये वस्तु है कोई भी वस्तु किसी को दी और आपको पैसा साइमल्टेनियसली उसी क्षण मिल गया इस हाथ ले उस दे, दे ऐसा कभी हुआ आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा या तो आपने पैसा पहले दिया होगा या आपने वस्तु पहले ली होगी अगर वस्तु पहले ले ली तो दुकानदार ने आप पर भरोसा किया है कि आप पैसा चुका देंगे और यदि पैसा पहले चुका दिया तो आपने दुकानदार पर भरोसा किया है कि वो आपको वस्तु प्रदान कर देगा ये लेक्चर देने से पहले मैं हेयर कट करवा के आया तो मैंने पहले बाल कटवाए और फिर पैसे चुकाए तो जो हेयर ड्रेसर था उसने मुझ पर यकीन किया कि ये सज्जन बाल कटवाने के पश्चात दुकान के बाहर भाग नहीं जाएंगे ठीक है तो ये जो ट्रांजैक्शन हर ट्रांजैक्शन में एक अनसर्टनिटी या अनिश्चितता रहती है और ये अनिश्चितता तब तक रहती है जब तक पैसे का पूर्ण भुगतान नहीं हो गया हो तो आ, कभी कभी ये अनिश्चितता दो महीने तक रह सकती है कभी कभी दो साल तक रह सकती है कि आ, वो व्यक्ति आए उन्होंने सामान खरीदा और वो जो है पैसा चुका नहीं रहे हैं या चुकाना भूल गए हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है ऐसा हो जाता है तो आ, इंटरनेट पर रियल टाइम रियल टाइम कुछ ही क्षणों में पैसे का भुगतान हो जाता है इसीलिए ई-कॉमर्स बहुत ये अनिश्चितता बिल्कुल कम हो जाती है जितनी लंबे समय तक भुगतान नहीं होगा उतने अधिक अनिश्चितता रहेगी इंटरनेट में क्योंकि रियल टाइम हो जाता है आपने इसी क्षण पेमेंट किया और उसी क्षण आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया ठीक है उसी क्षण जो है मर्चेंट ने उसको डिस्पैच कर दिया मान लीजिए आपने ये पानी की बोतल इंटरनेट पे खरीदी है तो आपने जैसे ही ये पेमेंट किया जो वेंडर है जो आपको ये बेच रहा है वो इमीडिएटली उसको डिस्पैच कर देता है वेंडर के अकाउंट में पैसा पहुंचा वेंडर ने डिस्पैच किया मित्रों जब तक माल की डिलीवरी नहीं हुई और वास्तविक भुगतान के बीच में जो गैप है वो उससे अनिश्चितता पैदा होती है जितना लंबा गैप उतनी अधिक अनिश्चितता और प्रौद्योगिकी ने इंटरनेट ने ये तत्काल भुगतान का ये जो अवसर प्रदान कर दिया है इससे जो है चीजें बहुत अधिक आसान हो गई हैं इंटरनेट जो है कम मूल्य के लेन देन के लिए बहुत प्रभावी मीडियम है कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है कम आप इंटरनेट पे दस रुपए का सामान भी खरीद सकते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि आपको दस रुपए का सामान खर्च करने के लिए बीस रुपए का पेट्रोल और दस रुपए की पार्किंग का शुल्क अदा करना पड़ेगा मान लीजिए आपको एक छोटा सा कंगा खरीदना है कंगे की मूल्य शायद पचास रुपए होगी आप इंटरनेट पर आराम से पेमेंट करके वो कंगा मंगा सकते हैं अन्यथा आपको बाजार तक जाना पड़े और आपको वहां पे पार्किंग करनी पड़े और आप जो है अपना समय खर्च करके वहाँ जाएंगे तो ये बहुत लागत प्रभावी यानी कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है पार्टियाँ जब एक दूसरे से दूरी पर स्थित हैं तब भुगतान का बेहद आसान बेहद अनुकूल तरीका है ये आ, इंटरनेट पे जो सुविधा है कन्वीनियंस उसको खोए बिना सुरक्षा प्रणालियों को और अधिक हमें मजबूत बनाने की मित्रों आवश्यकता है आ, जो भी हमें जो भी सुरक्षा प्रणाली है उसको और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है कन्वीनियंस को खोए बिना जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मनी के लाभ हैं जो व्यवसायी हैं ये कम अधिक कम कम जो लागत Uh, क्योंकि इंटरनेट पे व्यवसाय करेंगे तो आपका दुकान का खर्चा एयर कंडीशनिंग का खर्चा पार्किंग का शुल्क का खर्चा आपको ग्राहकों के लिए पार्किंग का इंतजाम करना है आ, जो स्टाफ सेल्समैन रखने का खर्चा ये सब आप बचा सकते हैं आ, और इससे आपकी एफिशिएंसी यानी कि दक्षता बढ़ेगी धोखाधड़ी के मामले जो हैं जो कि कोई आपका कैश लेके भाग गया आ, उसकी समस्या बढ़ेगी आपने कभी पेट्रोल पंप देखे हैं मित्रों इनमें कैश का बहुत लेन होता था पहले तो हर पेट्रोल पंप में एक या दो बंदूकधारी व्यक्ति रखने पड़ते थे कि कोई कैश का बैग लेके ना भाग जाए क्योंकि पेट्रोल पंप दिन रात खुले रहते हैं ऐसी जगह पे स्थित होते हैं सड़क के किनारे होते हैं वहां जो व्यक्ति आता है वो बाइक या कार पे आता है तुरंत लेके भाग सकता है इसलिए पेट्रोल पंप बहुत वल्नरेबल होते हैं तो यदि पेट्रोल पंप ने जब से यूपीआई और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भुगतान होना शुरू हो गया कम से कम बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं लुप्त प्राय बिल्कुल कम हो गई हैं और इसके साथ हम कुछ वैल्यू एडिट सेवाएं भी दे सकते हैं, जिससे बिजनेस और कस्टमर के बीच रिलेशंस और अधिक अच्छे हो सकते हैं ऑफर दे सकते हैं कस्टमाइज्ड ऑफर दे सकते हैं इत्यादि मित्रों मनी से वैसे तो आप सभी कुछ खरीद सकते हैं इसमें कोई मना ही नहीं है बट uh, uh, मुख्य रूप से मैं कहूँगा जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है या जो स्मार्ट कार्ड है या जो नेटवर्क मनी है या जो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स हैं स्मार्ट कार्ड आपने देखा होगा कि एक प्लास्टिक uh, का टुकड़ा है उसमें सौ रुपये पाँच सौ रुपये दस हज़ार रुपये हम लोड कर सकते हैं प्रीपेड कार्ड जैसा है जैसे uh, प, जब uh, आज से पाँच दस साल पहले ये एक नई टेक्नोलॉजी आई थी uh, कि आप वर्चुअल कॉलिंग कार्ड रख सकते हैं एक नंबर है वो नंबर डायल करें और ऐसे फ़ोन से आप एस कॉल कर सकते हैं जिसमें एसटीडी फैसिलिटी है ही नहीं और उसमें आपकी मान लीजिए दस रुपए की कॉल है तो वो सौ रुपए में से दस रुपए कम हो जाएंगे जा प्रीपेड मोबाइल को चलाते हैं तो मुख्य रूप से ये जो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स हैं या नेटवर्क मनी है या संग्रहित मूल्य है वास्तविक सीमा तो नहीं है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आप इससे खरीद सकते हैं बट मुख्य रूप से ये छोटे लेन देन के लिए ही बनाए गए हैं आ, क्योंकि मध्यम या उच्च मूल्य के लेन देन के लिए आपके पास ऑलरेडी एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का तरीका है वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड जिसके पूर्व में हमने छठे सातवें मॉड्यूल में विस्तृत रूप से चर्चा की हुई है मित्रों छोटे भुगतान के लिए भारतवर्ष में एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक बनाई गई यूपीआई लाइट यूपीआई की पहुंच के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि बाहर के जो एडवांस देश हैं जापान इटली जर्मनी उनके शीर्ष नेताओं ने भी इसकी तारीफ की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की कि देखिए ये आपने कितना बढ़िया बना दिया है ई पेमेंट का ढांचा जो अपर्याप्त था छोटे भुगतानों के लिए खास तौर पर मित्रों मैं अपनी यूनिवर्सिटी में चाय मंगाता हूँ आठ रुपए की चाय आती है भुगतान इससे होता है मैं आपको सिगरेट सेवन करने के लिए तो नहीं प्रोत्साहित कर रहा हूं बट मेरे बहुत सारे मित्र हैं दस रुपए की सिगरेट पीते हैं ई पेमेंट करते हैं यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो क्योंकि अब दस रुपए तो लोग नहीं रखते जेब में और वो जो जो व्यक्ति सिगरेट का विक्रेता है वो भी कहता है कि साहब मैं आपको कहाँ सौ रुपए का चेंज देता, देता फिर नब्बे रुपए में कहाँ से लाऊ तो क्योंकि कैश का प्रचलन बहुत कम हो रहा है तो स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज वगैरह वाले एरियाज है वहां पर तो मैंने देखा कैश लुप्त लुप्तप्राय सा हो गया है ना फोटोकॉपी वाला कैश लेता है ना ई रिक्शा वाला कैश लेता है ना चाय वाला कैश पसंद करता है ना सिगरेट वाला तो ये एक रेवोल्यूशनरी सी टेक्निक आ गई है इलेक्ट्रॉनिक मनी के उपयोग के बिना छोटे लेनदेन बहुत मुश्किल हैं और इंटरनेट पे तो बिल्कुल ही लगभग असंभव से हो गए हैं तो ये कुछ ऐसी वस्तुएं जिनके हमने बारे में बात की थोड़ी सी और बात करेंगे आ, वो वस्तुएं और सेवाएं जो इंटरनेट के ही माध्यम से प्रायोजित की जा सकती हैं भेजी जा सकती हैं जैसे कि समाचार पत्र में लिखे हुए लेख हम लोग रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढते हैं वो पैसे देते हैं उसके लिए कोई आपने एक अच्छा आर्टिकल पढ़ा जस्ट और में तो वो आ, जस्ट और एक रिसर्च डेटा है मित्रों तो इंटरनेट के माध्यम से ही ये सेवाएं वितरित होती हैं आ, कुछ सर्च रिजल्ट्स है कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम है जो तत्काल वितरण चैनल इंटरनेट के माध्यम देम से ही वो सेवा आपको मिलती है इसके लिए बहुत अधिक उपयुक्त है जुआ खेलना पोर्नोग्राफी प्रोस्टिट्यूशन जैसे कुछ व्यवसाय हैं कुछ सर्विसेज हैं वो भी इंटरनेट की जो गुमनामी है जो एनोनिमिटी है एनोनिमिटी ऑफ इंटरनेट उसका फायदा उठाती हैं और उसके लिए भी ई मनी का उपयोग काफी अधिक मात्रा में होने लगा है इसकी कुछ अंतर्निहित टेक्नोलॉजी के बारे में उपभोक्ताओं को व्यापारियों को कुछ अनसर्टिनटीज़ है ये जो अगर आप चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा व्यापक स्वीकृति मिले इलेक्ट्रॉनिक मनी को तो इस दिशा में सरकारों को पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा इनको और अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए आ, अब जैसे कुछ बुज़ुर्ग लोग होते हैं मेरी माता जी हैं वो इसका प्रयोग करना पसंद नहीं करती यू इत्यादि का उनको ऐसा लगता है कि इससे उनका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो ऐसे लोगों को और अधिक कन्विंस करने के लिए थोड़ा सा जो इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताना या उसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यक है मित्रों हम ऑथेंटिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण की चर्चा करते हैं सबसे पहले उपभोक्ताओं को जो मर्चेंट्स हैं व्यापारी हैं उनको दोनों ही उपभोक्ता और व्यापारी ये दोनों मिलकर एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं तो इनको जो है इस पर इलेक्ट्रॉनिक मनी पर विश्वास होना चाहिए आ, और ये जो है ऐसा मांग कर सकती हैं कि ये जो इसकी वैधता है इलेक्ट्रॉनिक मनी की वैधता है इसको जो है प्रमाणित करने के लिए एक थर्ड पार्टी जो विश्वसनीय है उसके द्वारा एक ऑडिट करवा दिया जाए व्यापारी आश्वासन भी चाहता है कि जो उपभोक्ता हैं वो असल उपभोक्ता हैं वो डमी उपभोक्ता तो नहीं है ऐसा तो नहीं कि वो जो सेवाएं आज हम भिजवा दें और वो कल को मना कर दे कि नहीं ये तो सेवाएं हमें नहीं चाहिए तो इस तरह का भी आश्वासन व्यापारी चाहते हैं आ, व्यापारी चाहते हैं कि जो उपभोक्ता है वो सत्यापित उपभोक्ता होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए और वो कानून के अंतर्गत जो भी उनकी जिम्मेदारी एक उपभोक्ता की कस्टमर की बनती है उसका निर्वाहन करने में सक्षम हो और निर्वाहन करने से मना ना करे देखिए दो बातें हैं एक तो सक्षम होना चाहिए एबल होना चाहिए और दूसरा वो मना ना करे वो उसको पालन करने में अपनी अनुमति दे मित्रों प्रमाणीकरण की अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो दोनों ही मोर्चों पर व्यापारियों को सहूलियत प्रदान करने के लिए भरोसेमंद और विश्वसनीय प्रणाली की आवश्यकता है क्या दोनों छोर थे एक तो वो चाहते हैं कि जो इसको मैं ए और बी कर देता हूँ ये दोनों छोर पे वो चाहते हैं कि जो उपभोक्ता हो वो सत्यापित हो और वो कानून के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटे सक्षम भी हो एबल एंड विलिंग और जो दूसरा है वो ये है कि वो जेनुवन कस्टमर्स हो और वो जो अपनी जो 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 वस्तु या सेवा उन्होंने मांगी है उसको लेने से बाद में मना ना करें वो वास्तविक उपभोक्ता हो जेनुइन हो तो so, मित्रों इन दोनों ही मोर्चों पे अगर सहूलियत प्रदान करनी है तो एक विश्वसनीय भरोसेमंद प्रणाली की आवश्यकता बढ़ जाती है उपभोक्ता स्पष्ट रूप से पहचान होनी चाहिए और प्रमाण भी मिलना चाहिए कि उसने जो है इन सेवाओं इन वस्तुओं को प्राप्त किया है मांगा है इस तरह का जो प्रमाणीकरण है सर्टिफिकेशन है उपभोक्ताओं के पास भी विश्वास पड़ेगा कि जो ई मनी है ऑथेंटिकेशन से उनमें भी ये विश्वास आएगा कि जो उनके पास ई मनी है वो वास्तविक है काल्पनिक नहीं है आ, और व्यापारी जो है ऐसे पैसे को मनी को स्वीकार करेंगे तो ऐसा ना हो कि उनको ऐसा लगे कि उनका करेंसी में विश्वास उठने लगे मित्रों ये समस्या केवल ई मनी के साथ ही नहीं है अपने जो किसी देश की किसी मुल्क की खुद की इशूड पेपर करेंसी के साथ भी यही हो सकती जब कोई देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो जैसे कि कुछ दिनों पूर्व श्रीलंका में आर्थिक समस्या आ गई थी आ, कुछ कुछ वर्षों पूर्व जिम्बाब्वे में आर्थिक समस्या आ गई थी तो लोगों का अपनी खुद की करेंसी से ही विश्वास उठ जाता है लोग फिर या तो गोल्ड में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं या गेहूं में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं या यूएस डॉलर में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं उनका अपनी ही करेंसी से विश्वास उठ जाता है क्योंकि वो कहते हैं पता नहीं कोई दूसरा ये करेंसी लेने से मना तो ना कर देगा सो वही वाली बात है कि व्यापारी जो जो है पर भी भरोसा होना चाहिए और कस्टमर को भी भरोसा होना चाहिए और ये दोनों ही एक अच्छी प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन के ढांचे से ही आ पाएगा मित्रों इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो ट्रांसनेशनल है इट इज ट्रांसनेशनल इन नेचर जैसे इंटरनेट के बारे में आपने देखा अभी तक आपने पिछले सात मॉड्यूल्स में देखा इंटरनेट खुद ही ट्रांसनेशनल है वो किसी ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल बाउंड्री का सम्मान नहीं करता है उससे बंधा नहीं है तो ट्रांसनेशनैलिटी इसका सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है किसी भौगोलिक सीमा से बंधा नहीं है उपभोक्ता करता जो है जो उपयोग करता है जो यूज़र है कस्टमर है वो कहीं भी किसी भी वेबसाइट से विश्व में सामान मंगा सकता है कहीं भी बैठ कर मैं भारत में बैठकर न्यूजीलैंड या अमेरिका की कंपनियों से सामान मंगा लेता हूं जैसे आपने amazon.in है जो हमारा भारत में amazon है वैसे ही amazon.com है उस पे आप विश्व में बैठ के कभी जाके देखिएगा amazon.com इस पे आप जाके जो है सामान मंगा सकते हैं किसी और विदेशी मर्चेंट से भी तो तो और और बैंक जो है किसी भी स्थिर मुद्रा जो स्टेबल करेंसी है जैसे कि यूएस डॉलर इंडियन रुपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या यूरो के अगेंस्ट के आपेक्ष में आ, आ, उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी जारी कर सकते हैं Uh, अभी हम बात कर रहे हैं बैंक आगे जाके चर्चा होगी कई लोग कहते हैं कि क्यों केवल बैंक ही क्यों कोई और व्यक्ति भी ये काम कर सकता है गैर बैंक भी कर सकता है वो आगे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ये जो इसका नेचर है वो इंटरनेशनल है अंतरराष्ट्रीय इसकी प्रकृति है लाभ और समस्याएं दोनों पैदा हो जाती हैं और भविष्य में इस तरह के मुद्दे और अधिक मात्रा में सामने आएंगे क्योंकि इसका यूज और बढ़ने वाला है तो हमें अभी से इस विषय में सोचना चाहिए क्योंकि जब समस्या पैदा हो जाए और विकराल हो जाए तब उसके बारे में सोचेंगे तो नहीं चलेगा पहले से ही तैयारी करके रखें तो बेहतर है देखिए सर्दी का सीजन आता है तो हम पहले से ही अपने गर्म कपड़े निकाल के रखते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे सीजन आने के बाद गर्म कपड़े निकालेंगे तो जरूर एक एक बार बीमार हो जाएंगे सो सिमिलरली अगर हम जो है सर्दी का सीजन जाने के बाद अपने गरम कपड़े पैक नहीं करते हैं तो हमारे गरम कपड़े जो है या तो धूल खाते रहेंगे या हम जो है इनएप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड होंगे सो uh, so मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें पूर्व में ही जो तैयारी है वो करके रखनी चाहिए मित्रों जो अंतर्राष्ट्रीय चरित्र है वो व्यापार के नए अवसर पैदा कर देता है दुनिया की सरकारों के लिए लेकिन चुनौतियां भी पैदा कर देता है समस्याओं का समाधान धन के उपयोग को नियंत्रित करने वाली संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा पैदा करिए नियम ऐसे पैदा करिए कि जो आ, साइबर स्पेस पे शायद नियंत्रण पैदा हो जाए बट हमें यह देखना है कि साइबर स्पेस का जो ढांचा है वो जो 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 ओरिजिनल उसका ढांचा है वो खराब नहीं होना चाहिए एक और वैकल्पिक परिदृश्य भी पैदा हो सकता है कि इंटरनेट अर्थव्यवस्था का जो बड़ा हिस्सा है वो जो जो जो, जो इंटरनेट उपयोग करता है वो ऐसा ना हो कि वो अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा ही रेगुलेट करने लगे ऐसा भी हो सकता है मित्रों पर कोई सा भी परिदृश्य हो आगे आने वाले समय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं दिलचस्प होने वाले हैं हमें ऐसा देखने को मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं मित्रों इलेक्ट्रॉनिक मनी जो आता है उससे आपके आर्थिक प्रभाव है जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो काफी व्यापक हो सकते हैं देखिए सबसे पहले तो निजी तौर पर अगर हम प्राइवेटली इसका उपयोग करते हैं तो सरकारी शर्तों के अधीन तो ये होगा नहीं ई e मनी तो ये जो 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 इसको मॉनेटरी फ्रीडम मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक मनी को और जो करेंसी मनोपली है आरबीआई की जो जो केवल आ, आर ही करेंसी इशू कर सकता है करेंसी मोनोपोली ऑफ आर बी विल बी इम्पैक्टेड सो सरकार द्वारा मुद्रा को विश्वसनीय बनाने वाली जो शर्तें हैं वो निजी तौर पर इशूड इलेक्ट्रॉनिक मनी के, के केस में लागू नहीं होंगी आ, सरकार की जो विश्वसनीय बनाने की क्या शर्तें होती हैं मैंने आपको बताया था कि आर बी आई गवर्नर लिख के देते हैं या फाइनेंस सेक्रेटरी लिख के देते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ मैं इसको प्रत्याभूत करता हूँ Uh, सरकार द्वारा जारी जो इलेक्ट्रॉनिक जो 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 आधिकारिक करेंसी है उसका उपयोग देश के नागरिकों द्वारा उसके मूल्य के बावजूद किया जाता है क्योंकि उसकी गारंटी है अम्म uh, इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर को भी प्रभावित कर सकता है कम से कम शुरुआत में ये वास्तविक वास्तविक मुद्रा के लिए एक प्रॉक्सी होगा क्योंकि वास्तविक मुद्रा जमा करके ही आप इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा खरीद सकेंगे आ, सो वास्तविक मुद्रा खरीदने के की आवश्यकता होगी विनिमय दर प्रभावित होगा अधिक डिजिटल स्पेक्यूलेशन पैदा हो जाएगा और विदेशी मुद्रा को जो जो मुद्रा देश के अंदर है वो अस्थिर हो जाएगी आ, ये स्पेक्युलेटिव जो व्यवहार है आ, किसी भी आ, मुद्रा के प्रारंभिक मूल्यावास यानी कि डिप्रिसशन में तेजी ला सकता है अगर कोई इनिशियली डिप्रीट कर रही है कोई मुद्रा जैसे कि श्रीलंका या जिम्बाब्वे की मैंने आपको उदाहरण बताए तो उस ऐसे डिप्रिसशन को और अधिक एक्सेलरेशन कर सकता है कोई अगर इकोनमी डूब रही है तो उसको डूबने में और मदद करेगा ये आ, तो जो जो बाज़ार में जो आ, उतार चढ़ाव हो रहे हैं उनको और अधिक एक्सेंचुएट कर देगा और अधिक उतार और अधिक चढ़ाव बाजार में देखने को मिल सकते हैं बबल इफेक्ट पैदा हो जाएगा और इसका जो है इकोनॉमी के अन्य क्षेत्रों में भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है मित्रों अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो मनी सप्लाई पे प्रभाव देखना बहुत आवश्यक है आ, जो जो मुद्रा आपूर्ति है मनी सप्लाई है दुनिया भर में उपभोगकर्ता बैंक में जो है अपनी आ, नकदी जमा करेंगे और बदले में जो है डिजिटल कैश की मांग करेंगे यदि डिजिटल कैश जमा करने वाले बैंक के पास कैश में कमी है तो वो ऋण के रूप में जो उन्होंने जमा अगर अगर वो ऋण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मनी को नहीं दे रहे हैं तो हंड्रेड परसेंट रिज़र्व बनाने से डिजिटल कैश की राशि जमा करने में वास्तविक नकदी खर्च होगी और कोई नया पैसा सृजित नहीं होगा कोई न्यू करेंसी न्यू आ, करेंसी सृजित नहीं होगा क्रिएट नहीं होगा आ, इंटरनेट अर्थव्यवस्था देखिए थोड़ा सा आपको ऐसा लगने लगेगा अगले पांच सात मिनट में कि कोई इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है मित्रों इकोनॉमिक्स की नहीं बट है तो साइबर आ, क्राइम की ही क्लास बट जो इस आ, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक मनी के आने से हमारी करेंसी पे क्या प्रभाव होगा आ, हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या प्रभाव होगा उसकी जानकारी लेना आवश्यक है क्योंकि कब ये सिचुएशन क्राइम में बदल जाए किसी को पता नहीं इसलिए हमने इसकी यहां परिचर्चा कर रहे हैं यदि इंटरनेट अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी रहता है तो बहुत जल्द बैंक डिजिटल ग्राहक डिजिटल नकदी के रूप में ग्राहकों को पैसा उधार देना लोन देने का विकल्प देने लगेंगे और बैंक वास्तविक दुनिया के समांतर वास्तविक दुनिया में बैंक को एक फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम मेंटेन करना होता है मान लीजिए बैंक ने सौ रुपये जो है लोन दिया तो पंद्रह रुपये बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है इसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व तो ऐसा ही एक फ्रैक्शनल रिजर्व वर्चुअल वर्ल्ड में भी देखने को बन सकता है और वर्चुअल वर्ल्ड में आर तो है नहीं तो ये पैसा पंद्रह रुपये किसके पास जमा करेंगे ये सोचने का विषय है सो uh, so, नया पैसा भी क्रिएट हो सकता है सृजित हो सकता है डिजिटल नकदी की जो कुल राशि है वो वास्तविक नकदी की राशि से कहीं अधिक हो सकती है और साइबर स्पेस में पैसा जो है वर्चुअल आर्थिक गतिविधि हो हो सकता है वो क्रिप्टो करेंसी बनाने हो सकता है वो आतंकवाद को जन्म देने हो सकता है वो प्रोस्टिट्यूशन देखिए समस्या बस यही आ जाती है आतंकवाद नारकोटिक्स प्रोस्टिट्यूशन गन रनिंग ये सब व्यापार चार जो मैंने गिना दिए और दो तीन और हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं इसमें कहाँ से पैसा आ रहा है किस चीज़ को फंड कर रहा है आपने पैसा कमाया आतंकवाद से उसको आप यूज़ कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए वहां से पैसा कमाया उसको आप नशीले पदार्थों के में यूज़ कर रहे हैं तो ये ये एक बहुत विशेष साइकिल बन जाती है तो आर्थिक जो गतिविधि है वो किस प्रकार की होंगी वर्चुअल स्पेस में वो आ, क्या उतार चढ़ाव इकोनॉमी में लाएंगी क्या वो लीगल एक्टिविटीज़ होंगी क्या वो इलीगल चांसेस आर वो इलीगल ज़्यादा होंगी और बदले में वास्तविक दुनिया में जो धनापूर्ति है जो मनी सप्लाई है उसको ये अवश्य प्रभावित करने वाला है साइबर uh, स्पेस जो है असल दुनिया से कैश को अब्जॉर्व कर लेगा उसके अगेंस्ट जो है बैंक्स वर्चुअल करेंसी इशू करने लगेंगे और वास्तविक दुनिया में धनापूर्ति की कमी होने की प्रबल संभावना रहती है मित्रों uh, इससे जो है जो फाइनेंशियल क्राइसिस है साइबर स्पेस में भी फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो सकता है क्योंकि आरबीआई नहीं है देखिए कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक नहीं है कंट्रोल करने के लिए तो इसको जो है हर देश में आरबीआई जैसा इंस्टीट्यूशन है जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व है इसको कहते ही सेंट्रल बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं सेंट्रल बैंक जो जो जो, जो प्रमुख बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उस देश का उसकी चर्चा कर रहा हूँ uh, so, uh, जो क्योंकि आर नहीं है क्योंकि एल जैसे संस्थान नहीं है जो मार्केट uh, में जब uh, पैसा डालने की आवश्यकता होती है तो पैसा डालते हैं जब निकालने की आवश्यकता होती है तो पैसा निकालते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन क्योंकि नहीं है तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा होने की प्रबल संभावना है थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैसे और क्यों डिजिटल नकदी के रूप में यदि बैंक नया पैसा क्रिएट करते हैं तो वे बैंक जो है दिवालिया भी हो सकते हैं बैंक हो सकते हैं क्यों क्योंकि आप जो है अगर नई करेंसी का सृजन करते रहेंगे और आपकी बैलेंस शीट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है तो ये एक चेन इफेक्ट स्थापित हो सकता है जो एक वर्चुअल फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दे सकता है वर्चुअल वर्ल्ड में वित्तीय संकट साइबर स्पेस में वित्तीय संकट पैदा कर सकता है वास्तविक दुनिया में देखिए इस तरह के जोखिम को बचाने के लिए हमारे पास एल आई लीजिए आपने रॉक क्लाइंबिंग की उसमें खतरा होता है तो वहां क्या नीचे गद्दा बिछा देते हैं कि अगर आप गिर गए गलती से तो आपको चोट नहीं पहुंचेगी अन्यथा अगर वो नहीं होगा और आप गिर गए तो आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और आपका बाकी का जीवन व्हील चेयर पर बीतेगा अगर आप बच गए तो तो इसलिए सेफ्टी नेट की आवश्यकता बहुत अधिक होती है आ, ये एक सुरक्षा जाल की आवश्यकता बहुत अधिक होती है और वर्चुअल वर्ल्ड में आ, जो इस तरह के डिपोज़िटरी इंस्टीट्यूशंस आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन जो मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनिटर करते रहते हैं एलआईसी जैसे इंस्टीट्यूशन जो आ, अगर बाजार में मंदी है तो वो बाज़ार में पैसा डालते हैं और अगर बाजार में तेज़ी अधिक हो रही है तो वो पैसा मार्केट से निकाल हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है साइबर स्पेस में कोई कंट्रोल ही नहीं है साइबर स्पेस में अराजकता है हमने शुरू से ही बात कर रहे हैं कि साइबर स्पेस की जो खास बात है वही है अराजकता अनरेगुलेटेड नेचर बहुत से लोगों ने कहा है एनार्की साइबर स्पेस की एनार्की की बात आ, साइबर स्पेस में कोई केंद्रीय बैंक तो है नहीं तो इस तरह का जो सेफ्टी नेट है ये प्रदान जो करता हो ऐसा कोई बैंक नहीं है और ये संभव है कि कोई वर्चुअल बैंक के डिफॉल्ट के द्वारा बाकियों पे एक रिपल इफेक्ट एक लहर प्रभाव देखने को मिल जाए आ, ग्राहक जो है डिजिटल नकदी को वास्तविक नकदी में बदलने की मांग कर सकते हैं बैंकों की ओर दौड़ सकते हैं और अगर बैंकों के पास अपर्याप्त रूप से धन है तो वास्तविक दुनिया में असल दुनिया में बैंकों के लिए वित्तीय संकट पैदा हो सकता है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इट कॉज़ रन ऑन द मान लीजिए आपके दस लाख रुपए ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा है और अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास दस लाख रुपए आपको देने के लिए नहीं है वो आपसे कहते हैं कल आना तो आपका तो बैंकों से भरोसा उठने लगेगा फिर आप अपना पैसा आप कहेंगे यार हर बैंक में यही प्रॉब्लम है मेरे पांच लाख एस में पड़े मैं वहां भागता हूँ तो देखिए बैंक आपसे पैसा लेते हैं और दूसरे को देते हैं बैंक आपसे जमा लेते हैं और आपको मान लीजिए चार परसेंट दिया आपको इंटरेस्ट तो बैंक जो है दूसरे व्यक्ति को यही पैसा देगा और उससे पांच परसेंट इंटरेस्ट लेगा और ये चार और पांच के बीच का जो गैप है ये बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी का कारण होता है ठीक है तो आ, बैंक आपका जो है पैसा है, जो है वो उसने दूसरे व्यक्ति को दे दिया उसको ये थोड़ी उम्मीद है कि आप भी दस लाख मांगने आ जाएंगे मेरे जो कैमरा साहब हैं वो भी पांच लाख मांगने आ जाएंगे मेरे जो दूसरे मित्र हैं आशीष वो भी बारह लाख मांगने आ जाएंगे उन्होंने तो ये मांगा के चला है कि हाँ ठीक है मेरे उनके बारह इनके तीन कुल मिला हमारे पास बीस लाख रुपए जमा है हो सकता है कोई व्यक्ति दो तीन चार लाख रुपए मांगने आ जाए तो वो बाकी के सोलह लाख तो उन्होंने जमा कर रखे तो अगर सभी व्यक्ति एक ही दिन आ जाते हैं अपने पैसे मांगने आपका हक है अपने पैसे मांगना बट जो आउट ऑफ पैटर्न ऐसे लोग अगर आ जाएंगे तो एकदम से एक रन ऑन द बैंक्स पैदा हो जाएगा और जैसे आपने देखा होगा साइकिल स्टैंड में एक साइकिल गिरती है तो सारी साइकिलें गिरने लगती हैं तो ये चेन इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा और एक बैंक में दिक्कत होने से सभी बैंकों में दिक्कत होने लगेगी मित्रों भारतवर्ष में आर और जो हमारी फाइनेंशियल व्यवस्था है बहुत मजबूत है इसके लिए हम भगवान के आभारी हैं हमारी सरकार के लिए आभारी हैं पर इस तरह के अगर ये अनरेगुलेटेड हो गया ये सिस्टम तो इससे खतरे की काफ़ी आशंका बढ़ जाती है एक वर्चुअल सेंट्रल बैंक जैसे कि आर है वो अनुपस्थित है तो उसके अभाव में ऐसी समस्याओं का जो खतरा है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा मित्रों आप सब ने जूरिस प्रोडेंस अवश्य पढ़ा होगा अपने जूरिस प्रूडेंस के टीचर की बात याद करिए और जॉन ऑस्टिन की बात याद करिए जॉन ऑस्टिन ने कहा है लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरिन मतलब जो शासक ने बोला वो कानून मित्रों क्या ये बात इंटरनेट पे लागू हो सकती है इंटरनेट पे क्या शासन का जोर चलता है क्या सरकार चाहे कितनी भी पावरफुल हो जैसे कि अमेरिका की सरकार या भारत की सरकार दोनों बहुत बड़े बड़े देश हैं इनकी सरकारें बहुत मज़बूत हैं क्या इतनी मजबूत सरकार का भी कोई इंटरनेट पे जोर चलता है जवाब आपको पता है तो मित्रों जो हमारी रोज़मर्रा की दुनिया से इंटरनेट अलग है क्योंकि यहां पे सरकार का जोर नहीं चलता है सरकार का जो क्वेसिव फोर्स है यहां पे इनइफेक्टिव है तो हमें जो है गवर्नेंस ऑफ इंटरनेट की जगह गवर्नेंस फॉर इंटरनेट की तरफ जाना है ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए हमें गवर्नेंस फॉर इंटरनेट चाहिए इंटरनेट को किस तरह से गवर्न किया जाए हमें ये देखना है हमें इंटरनेट पे कानून नहीं चलाना है तो डिजिटल दुनिया से जो, जो से, की ओर जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें सरकारों की क्या भूमिका है मित्रों इस पर आजकल बहस छिड़ी हुई है और होनी भी चाहिए बहस कुछ लोग मानते हैं देखिए दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं और हमें लॉ में बैलेंस बना के चलना होता है आ, कुछ लोग मानते हैं कि सरकारों को बहुत कम भूमिका होनी चाहिए और निजी क्षेत्र पे ही छोड़ देना चाहिए और मार्केट बेस सॉल्यूशंस पे ही चलना चाहिए और अगर कोई भूमिका है भी तो बहुत कम भूमिका होनी चाहिए अधिकांश मुद्दों को हल करने की अनुमति प्राइवेट सेक्टर निजी प्लेयर्स को होना चाहिए जबकि अन्य लोग कहते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक नकदी जो है इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा कैसे जारी होगी कौन जारी करेगा कौन उपयोग करेगा इसके लिए जो भी मानक या स्टैंडर्ड बनेंगे उसको भी निर्धारित करना सरकार का ही काम होना चाहिए देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि कौन करेगा इशू कैसे इशू होंगे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ये सब काम सरकार का होना चाहिए ऐसे लोग कहते हैं तो सरकारों को मित्रों सावधान रहना चाहिए कि वो नए जो इन्वेंशन हैं नवाचार हैं उनको प्रति अधिक ओवर रिएक्ट ना कर दें क्योंकि उन नवाचारों को रोके नहीं जो उपभोक्ता हैं जो व्यापारी हैं जो अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं और मार्केट प्लेस सॉल्यूशंस का लाभ उठाने की मंशा रखनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी के प्रति जो है भारत देश का रवैया देखिए पहले बैन रहता था और अभी विगत वर्षों में क्रिप्टो करेंसी पर उन्होंने मान्य कर दिया और वित्त मंत्री जी ने उस पर टैक्स की भी घोषणा की है तो जो है हमें ओपन माइंड रखना चाहिए क्योंकि ये 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 कई सारी जो चीजें हैं उपभोक्ता व्यापार बिजनेस कंज्यूमर अर्थव्यवस्था इकोनॉमी सभी को लाभ पहुंचा सकती हैं सरकार को भी लाभ पहुंचा सकती है बिकॉज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा मित्रों इंटरनेट की सीमाओं के भीतर किसी को भी कुछ भी करना रोकना सरकार के लिए या किसी भी और व्यक्ति के लिए बहुत आसान नहीं है तो जो हम कर लेते हैं असल दुनिया में सरकार कर लेती है कोर्सिव फोर्स से लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरिन बोल के ये इंटरनेट की दुनिया में हो पाना मित्रों संभव नहीं है मित्रों दो तरह के जो है हमारे सिस्टम्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी के अकाउंटेड यानी कि जिनमें लेखा जोखा रखा जाता है और लेखा रहित यानी कि बेहिसाब या अनअकाउंटेड तो जो लेखा वाले सिस्टम्स होते हैं उसमें तो आप ट्रेस कर सकते हैं और जो लेखा रहित होते हैं उसमें आप उनको ट्रेस नहीं कर सकते जैसे कि आप कैश को नहीं कर सकते सो तो अकाउंटेड प्रणाली में लेखा वाली प्रणाली में जारी करता जो है सभी लेन देन की पूर्ण या आंशिक ट्रेल देखता है रखता है इस ऑडिट ट्रेल के द्वारा जारी करता जो बैंक जिसने जारी किया है उस व्यक्ति की पहचान कर सकता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मनी जारी किया गया उस व्यक्ति की पहचान कर सकता है जिसे वो इलेक्ट्रॉनिक मनी मिला उस व्यक्ति की पहचान कर सकता है जिसने आगे इलेक्ट्रॉनिक मनी को इशू किया समझिए ऐसे कि आपने एक होटल में कमरा बुक किया आपने पेमेंट किया अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड से तो ये पेमेंट का प्रूफ हो गया पर यदि आपने नगद में पेमेंट किया होता तो प्रूफ नहीं होता इसीलिए भारत सरकार को कानून बनाना पड़ गया है कि कौन किस होटल में किस रात रुका उसका आईडी प्रूफ रखिए नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन होटल में कब रुका कैसे रुका किसने कौन सी एक्टिविटी की कोई बॉम्ब तो नहीं लगा गया कोई जो है प्रोस्टिक्यूशन तो नहीं कर रहा जो भी है आ, होटेल्स में हर तरह के क्योंकि बाहर से आने वाला व्यक्ति हर तरह के क्राइम्स करने की उसकी संभावना होती है और ये आज से नहीं है ये सैकड़ों साल से है जो व्यक्ति गाँव में आके बाहर से आता था वही गाँव में तकलीफ पैदा करके जाया करता था साथ ही उन लोगों और व्यवसायों की पहचान की जा सकती है जो इलेक्ट्रॉनिक मनी के प्राप्त करता है और ये इलेक्ट्रे इलेक्ट्रॉनिक मनी जो लेखा वाला है जो ऑडिट ट्रेल वाला है ये अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही चलता है अकाउंटेड प्रणाली में कागजी प्रणाली ये अन अनअकाउंटेड होना चाहिए अनअकाउंटेड प्रणाली में धन जो है कागजी मुद्रा की तरह काम करता है और गुमनाम तरीके से वो अर्थव्यवस्था में घूमता रहता है क्योंकि गुमनाम तरीके से घूमता उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है जैसे कि कैश का पता लगाना मुश्किल होता है मित्रों कुछ नीतिगत यानी कि पॉलिसी मामले हैं जैसे कि सर्टिफिकेशन एजेंसी अथॉरिटीज हैं हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक अधिकारी होता है प्राधिकारी होता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज वो देश भर में सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज नियुक्त करता है जो भी उसके पास आती हैं और ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज पब्लिक की को ऑथेंटिकेट करती हैं जो हमने पहले और दूसरे मॉड्यूल में इसके बारे में पढ़ा था और ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज जो हैं वो वेबसाइट्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं जैसे हमने पाँचवें मॉड्यूल में पढ़ा था वेबसाइट्स को जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती हैं सो uh, so, इस तरह की सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ का रोल जो है इलेक्ट्रॉनिक uh, मनी के केस में बहुत अहम uh, बन जाता है क्योंकि वो एक विश्वसनीय थर्ड पार्टी है लेन देन करने वाली पार्टी जो भी हैं उनकी प्रमाणिकता ऑथेंटिसिटी uh, की पुष्टि करता है पब्लिक की जैसी जानकारी की पहचान करता है पब्लिक की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे डिजिटल सिग्नेचर और इंक्रिप्शन uh, uh, की जो चीजें हैं वो uh, इससे आगे बढ़ती हैं और पब्लिक की की वैधता प्रमाणित करने संबंधित लेन देन उपकरणों के uh, स्वामित्व का पंजीयन करने के लिए विश्वसनीय थर्ड पार्टी होना आवश्यक है इनका पंजीयन क्यों होना आवश्यक है ताकि सरकार को पता तो होगी हो क्या रहा है uh, जो जो लेन देन के उपकरण हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जारीकर्ता को जो टोकन का आदान प्रदान करने के लिए तैयार होना चाहिए या नहीं ये इशू कि क्या जारीकर्ता को टोकन का आदान प्रदान करने के लिए हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें वास्तविक धन के बदले में जो टोकन जारी कर रहे हैं क्या ये तय करना चाहिए कि किस संगठन को ई टोकन जारी करना चाहिए बैंक होना चाहिए या नॉन बैंक होना चाहिए क्या जारी करने वाले को कोई लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए ये कुछ इशूज़ हैं जिन पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए जारी कार्यकर्ता के पर्सपेक्टिव से कौन व्यक्ति या कौन संगठन इलेक्ट्रॉनिक मनी को इशू करेगा आ, कि जो है कौन ये काम करे आ, किस तरह से इस, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए क्या इनका पंजीयन होना चाहिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आ, कोई लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट है क्या तो ये कुछ इश्यूज़ हैं कुछ अन्य इश्यूज़ की किसका दायित्व तो होना चाहिए देखिए केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटीड है करेंसी नोट मैंने आपको शुरू में बताया इलेक्ट्रॉनिक uh, मनी के लिए किसकी रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए किसको बाध्य करना चाहिए क्या किसी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए तो यदि uh, कोई बैंक इलेक्ट्रॉनिक टोकन जारी करता है तो क्या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इसे स्वीकार करेगा ही करेगा जब तक वो सर्टिफाइबली ऑथेंटिक रहे इलेक्ट्रॉनिक मनी प्रमाणित रूप से प्रमाणित रहे uh, मित्रों उत्तरदायित्व तो किसका होना चाहिए देखिए कैश अगर गुम जाता है तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसका कैश गुमा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कोई मदद नहीं है मान लीजिए मैंने बैंक से पांच लाख रुपए निकाले मैंने साइन कर दिया कैश ले लिया बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई भले बैंक के दरवाजे पे ही वो कैश गुम गया या किसी ने चोरी कर लिया वो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके विपरीत जो ट्रैवलर्स चेक्स होते हैं ट्रैवलर्स चेक्स के संदर्भ में इसीलिए ट्रैवलर्स चेक्स को सेफ माना जाता है मान लीजिए मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस का ट्रैवलर्स चेक्स लिया और मैं जो है ट्रैवलर्स चेक क्या है एक स्टोर्ड वैल्यू कार्ड जैसा है तो मैंने ट्रैवलर्स चेक्स लिया उसमें ₹10000 का ट्रैवलर्स चेक लिया और मैं जो है वो ट्रैवल करते टाइम वो मुझसे खो गया या किसी ने चोरी कर लिया तो अमेरिकन एक्सप्रेस की बाध्यता है जिम्मेदारी है दायित्व है कि वो मुझे दस हजार रुपए मूल्य का ट्रैवलर्स चेक दोबारा दे मान लीजिए दस हजार रुपए का मेरे पास ट्रैवलर्स चेक था उसमें से मैंने दो हज़ार रुपए खर्च कर दिए और फिर वो खो गया तो अमेरिकन एक्सप्रेस की जिम्मेदारी है कि वो मुझे आठ हजार के नए ट्रेवलर चेक दे और ट्रैवलर्स चेक किस तरह से प्रयोग होते हैं मित्रों आपके पास वो एक ट्रैवलर्स चेक है आप मान लीजिए शॉपिंग करने गए आपको एक टाई ख़रीदनी है आपको पेन खरीदना है तो आपने क्या किया कि वो ट्रैवलर्स चेक दिया मान लीजिए वो ट्रैवलर्स चेक ग्यारह हज़ार रुपये वो जो जो आपने जो सामान खरीदा वो ग्यारह हज़ार का है और आपके पास ट्रैवलर्स चेक दस हज़ार का है तो आप एक हज़ार रुपये किसी और पेमेंट के मद से दे दीजिए और दस हज़ार रुपये ट्रैवलर्स चेक के मद से मान लीजिए नौ हज़ार का है तो दस हज़ार रुपये का ट्रैवलर्स चेक दीजिए और एक हज़ार रुपये आपको वापस समझ जाएंगे अ uh, सो so, ये जो है अब ट्रैवलर चेक्स के, के केस में जिम्मेदारी बैंक की है जारीकर्ता की है बट uh, कैश के, के केस में कोई नहीं जिम्मेदारी तो क्या होना चाहिए क्या नकदी की जैसे होना चाहिए कि कोई जिम्मेदारी नहीं जारीकर्ता की या ट्रैवलर चेक के, के केस में होना चाहिए कि दायित्व तो जारीकर्ता का है यह सोचने की आवश्यकता है uh, फिर उसके बाद किस हद तक मित्रों किसके द्वारा और कैसे इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स का हिसाब रखना चाहिए हमने अकाउंटेड और अनअकाउंटेड की बात की तो किस हद तक होना चाहिए अभी हम आगे देखेंगे उसकी भी पांच छः कैटेगरीज हैं तो किस हद तक किसके द्वारा इसका हिसाब रखना चाहिए अ, कैसे रखना चाहिए क्या इसका मैकेनिज़्म होना चाहिए मित्रों ट्रेसेबिलिटी मैंने कहा यह सबसे विवादास्पद मुद्दा है जो लोग प्रिवेसी की वकालत करते हैं कल हमने देखा प्रेवेसी पे काफी हमारी गहमा गहमी वाली चर्चा हुई छठे सातवें मॉड्यूल में जो लोग प्रिवेसी की चर्चा करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा बना दीजिए कि हंड्रेड परसेंट अनोनीमिटी होनी चाहिए पर मित्रों हंड्रेड परसेंट अनोनीमिटी तो बहुत खतरनाक चीज़ है उसका मतलब है कि वो पैसा आपको पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और वो किस प्रयोग में होगा तो आप मान लीजिए सौ में से सौ परसेंट वो गलत चीज़ों के लिए आतंकवाद के लिए बच्चों की तस्करी के लिए जो प्रॉस्टिट्यूशन के लिए पोर्नोग्राफी के लिए ड्रग्स के लिए बंदूकें खरीदने बेचने के लिए ही प्रयोग में लिया जाएगा कोई अच्छे काम के लिए प्रयोग में नहीं लिया जा सकता आँ... तो ई भुगतान की जगह अगर नगद की जगह ई भुगतान पे आप विचार करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी है सबसे महत्वपूर्ण अवलेखन यह है कि इसको 100 परसेंट ट्रेस योग्य बनाना बनाना है या नहीं आ, और मैं आपको एक बात और बताऊं 100 परसेंट ट्रेसेबिलिटी बहुत आसान है 100 परसेंट नॉन ट्रेसेबिलिटी बनाने के लिए आपको और अधिक सिस्टम्स चाहिए जैसे कि ब्लाइंड सिग्नेचर अतिरिक्त तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा अगर 100 परसेंट अनोनीमस रखना है तो ये पांच छः तरह की चीज़ें हैं देखिए फुल ट्रेसिबिलिटी मतलब आराम से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं फिर एक है कंडीशनल ट्रेसिबिलिटी कुछ ही सिचुएशंस में ट्रेस कर सकते हैं पेमेंट्स को फिर पेयर अनोनीमिटी कि जो पैसे दे रहा है उसका नाम गुप्त रखेंगे और जिसको मिल रहा है उसका नहीं फिर ये उसका उल्टा है पे एनोनिमिटी मतलब जिसको पैसे मिल रहे हैं वो गुप्त रहेगा जो पैसे दे रहा है वो गुप्त नहीं और ये है फुल एनोनिमिटी मित्रों फुल एनोनिमिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये मेरा मत है Uh, क्योंकि नहीं तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग रनिंग इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी uh, अगर आप किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर से पूछें किसी भी पुलिस अधिकारी किसी भी फहरा से डील करने वाले अधिकारी किसी भी प्रवर्तन एजेंसी से किसी भी इन्फोर्समेंट एजेंसी से पूछें तो वो कहेगा देखिए हमेशा ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि वो चाहता है कि भुगतानों का पता लगाया जा सके पैसा कौन भेज रहा है क्यों भेज रहा है कैसे भेज रहा है किसको भेज रहा है uh, और जबकि जो गोपनीयता वाले जो व्यक्ति हैं जो इसकी एडवोकेसी करते हैं गोपनीयता लॉबी जो है लॉबी जो है वो का कड़ा विरोध करते हैं वो कहते हैं जैसे नगद है उसमें कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है वैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मनी का उद्देश्य नगद को रिप्लेस करना है तो मित्रों टैक्स चोरी मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे चीज़ों को ध्यान में रख के हमें डिसाइड करना होगा कि ट्रेसिबिलिटी करनी है कैसे करनी है कितनी करनी है आ, कोई भी सुरक्षित ई भुगतान की प्रणाली को अगर आपको गुमनाम बनाना है अनॉनिमस बनाना है तो वो मुश्किल है बनिस्पत इसके कि आप ट्रांसपेरेंसी लाएं ट्रांसपेरेंसी फुल ट्रेसिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के बारे में एक मशहूर uh, अमेरिकी जज हैं जस्टिस ब्रांडिस उन्होंने कहा है कि uh, जो है इलेक्ट्रिक लाइट इज़ द बेस्ट पुलिसमैन एंड सनलाइट इज़ द बेस्ट डिस सूर्य की रोशनी सनलाइट इज़ द बेस्ट डिस और इलेक्ट्रिक लाइट जैसे ये लाइट है वो uh, सबसे अच्छा पुलिसमैन का काम करता है सो so, ट्रेसिबिलिटी uh, जो है uh, अच्छी चीज़ है uh, यदि आपको उसको गुमनाम बनाना है अनोनिमस बनाना है तो आपको ब्लाइंड सिग्नेचर जैसे अतिरिक्त टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा मित्रों जो नियामक ढांचा है जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है आ, इसमें जो है इसको रेगुलेट क्यों करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मनी इसके मैं आपको चार प्रमुख कारण बताऊंगा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है आ, इसकी जो वित्तीय प्रणाली की जो इंटेग्रिटी है अखंडता है वो सुनिश्चित करने के लिए रेगुलेशन आवश्यक है जमाकर्ता डिपॉजिटर्स जो कस्टमर्स हैं उनकी हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है आ, फिर जो है मित्रों जो विभिन्न प्रणालियों में जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कोई रेगुलेशन होना चाहिए कर चोरी और इस तरह के जो टैक्स चोरी है आपराधिक इरादे हैं आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम का प्रयोग ना हो सके उसके लिए रेगुलेशन आवश्यक है मित्रों रेगुलेशन के दो तरीके हैं एक तो लेन देन पे रेगुलेशन कर दीजिए और दूसरा है संस्थानों को यानी कि बैंकों को आ, रेगुलेट कर दीजिए एक तो ट्रांजैक्शंस और दूसरा संस्थान तो मैं इनको ए और बी करके आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा संस्थान और जो ट्रांजैक्शन है संस्थान और ट्रांजैक्शन uh, ये दोनों जो तरीके हैं ये परस्पर अनन्य नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है दोनों को हम साथ में भी यूज कर सकते हैं अधिकांश देश ने वित्तीय संस्थानों को uh, विनियमित करना पसंद किया है क्योंकि ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल को पकड़ने से अच्छा है कि हम जो संस्थान है उन्हीं को uh, विनियमित करें मैं अपना विचार आपको बता चुका हूं कि पूरी तरह से अनाम सिस्टम भुगतान प्रणाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए निषेधज्ञ होनी चाहिए ऑस्ट्रेल में इन्होंने स्मार्ट कार्ड की जो जानकारी कुछ होना चाहिए या कुछ नहीं होनी चाहिए स्मार्ट कार्ड पे उसके लिए रेगुलेशन पारित किया है स्मार्ट कार्ड पे कितनी सीमा, कितनी सीमा सीमा से नीचे पैसा हो सकता है कितनी मैक्सिमम सीमा हो सकती है कि पैसा हो सकता है उस पर भी कानून है कि कितना पैसा स्मार्ट कार्ड में डाल सकते हैं मित्रों आर का आज की स्थिति में करेंसी मनापली है करेंसी नोट जारी करने की सेक्शन 22 आर एक्ट के तहत ते इनको मनोपली है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मनी का सृजन जो है ऐसा लगता है अगर दूर से देखें तो आर की जो मुद्रा नोट इशू करने की पावर है उसी के समान है आ, क्योंकि जो, जो 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 कोई और व्यक्ति अगर करेंसी नोट इशू करता है तो आर के पास पावर है उसको बंद कराने की धारा इकतीस के तहत आ, तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट तो नहीं है क्योंकि उसमें लिखे में एक दस्तावेज होना चाहिए और यहां तो लिखित बिल्कुल नहीं है यहां तो लिखित के ठीक विपरीत बात हो रही है सो so, जो मांग पर वाहक को ड्रॉवर को देय धन के भुगतान के लिए जो एंगेजमेंट है ये बात है इसमें आता है कि नहीं ये यहाँ थोड़ा सा डाउट है अब ये एंगेजमेंट यहाँ एंगेजमेंट मतलब सगाई की बात नहीं हो रही यहाँ एंगेजमेंट का मतलब है दोनों में जो ट्रांजैक्शन है ये जो एंगेजमेंट है आ, उसका जो आ, आ, क्या अर्थ निकलता है यदि उसका अर्थ वायदा है या प्रोमिस या अंडरटेकिंग है तो तो ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक मनी पे अब मना ही नहीं हो सकती बट अगर वायदे या अंडर हैकिंग के अलावा कुछ है तो हमें सोचना पड़ेगा आ, तो क्योंकि इसका ऐसा अगर है कि केवल ये एक रीन ग्रस्तता का रिकॉर्ड है केवल वही है तो वो तो किसी और जगह भी लिखा हो सकता है तो फिर ये समस्या ठीक है तो करेंसी मनोपोली से आधारित आ, 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 बात कर रहा था मैं अंत में मित, मित्रों ये जो मौजूदा बहस है ये इस सवाल से संबंधित है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश आरबीआई अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये हमारे दो बैंकिंग को लेके कानून है करेंसी को लेके कानून है आ, क्या केवल आरबीआई एक्ट के तहत पंजीकृत इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत इंस्टीट्यूशन संस्थान यानी कि सरल भाषा में बोलूँ तो बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नहीं जो बैंक हैं उसके अलावा संस्थान नहीं क्या उनको ही ये इलेक्ट्रॉनिक कैश इशू करने का अधिकार होना चाहिए या कोई भी कॉरपोरेट कर सकता है जिसपे जनता को भरोसा है जो ये काम करने के लिए राजी है जो व्यक्ति केवल बैंक वाला दृष्टिकोण अपनाते हैं वो कहते हैं और तर्क देते हैं और मैं इससे काफी हद तक अपने आप को सहमत पाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कैश बेचना व्यावसायिक रूप से बिजनेस रूप से कानूनी रूप से डिपॉजिट लेने का ही एक रूप है जनता को जो है अनियमित संस्थाओं को अगर जनता पैसा देने लगेगी तो जनता की जो सुरक्षा है उसके खिलाफ ये जाता है गैर बैंकों पे बारीकी से परिवेक्षित भी नहीं होता है आ, और सुरक्षा भुगतान प्रणाली विकसित करने में ये कम परिचित हैं बड़ा खतरा पैदा हो सकता है कि आर अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को ट्रैक करने में असमर्थ हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो गैर बैंकों की शायद इतनी प्रतिष्ठा भी नहीं है तो उनको इतनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो सकती है आ, ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मनी विकसित कर सकते हैं संभावना है कि उसको रिलेटिवली आसानी से काउंटरफेट या नकली बनाया जा सके एक से अधिक बार उपयोग में लाया जा सके आ, एक और बात मैं कहूँगा गैर बैंकों को बैंकों के मुकाबले अनुचित प्रतिस्पर्धा यानी कि अनफेयर कंपटीशन का लाभ मिल सकता है क्योंकि वो व्यापक सरकारी पर्यवेक्षण और रेगुलेशन विनियमन के अधीन नहीं आते हैं तो मित्रों ये कुछ जो समस्याएं हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी से लेकर वो आपके सामने हमने अभी डिस्कस की आ, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अच्छा लगा होगा और हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में हम साइबर पोर्नोग्राफी की चर्चा करेंगे जो आपका नोवा लेक्चर है इस कोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहिए स्वयं प्रभा नमस्कार